good morning students so how are you all i hope you all are fine so children today we are going to start a new chapter today and the chapter number is 7 uh, and the name of the chapter is our soils so in this chapter we will learn about the uh, soils and we will also discuss uh, what is soil and why we have to conserve the soil and how it, uh, we can conserve it and uh, how it is formed सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन एक्चुअली अर्थ सरफेस जो होती है हमारी अर्थ सरफेस की इट इज अ वेरी थिन लेयर इसको हम सॉइल कहते हैं इन दिस वी ग्रो क्रॉप्स एंड इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अर्थ एंड क्वेश्चन इज रेज हि हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड Soil बनती कैसे है सो सॉइल इज़ फॉर्म्ड लार्ज रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेज एंड दीज पीसेज फर्दर द ब्रेक डाउन इंटू सैंड एंड सिल्ट सो दिस इज़ कैरिड टू डिफरेंट प्लेसेस बाय रनिंग वाटर एंड विन एंड दिस हाउ एवर इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ years to form a very thin layer of soil, so soil बड़े बड़े जो soil hoti hai wo bade bade jo rocks hote hain jab wo aapas mein tootte hain डू टू वेदर कंडीशंस एंड ड्यू टू टेम्परेचर ड्यू टू रेनफॉल बहुत सारे रीजनस हैं जिसकी वजह से रॉक्स जो हैं ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर पीसेज में सो so ये जो पीसेज हैं आपस में टकरा कर धीरे धीरे छोटे छुट छोटे सैंड या सिल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दिस कैरेट टू डिफरेंट प्लेसेज बाय रनिंग वाटर एंड विंड और इसको जो तेज़ हवा है या बहता हुआ पानी है या रिवर्स है वह अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं एक्चुअली द दॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस ये बहुत धीरे धीरे होता है इसको बनने में मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एक पतली सी लेयर बनने में सॉइल की क्लियर ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल फर्टिलिटी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको हम कैसे मेजर करते हैं या कैसे हमें पता चलता है कि सॉइल फर्टाइल है या कैसे उसको हम uh, सॉइल को फर्टाइल बना सकते हैं सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी पहली बात तो सॉइल की इम्पॉर्टेंस तब बढ़ती है जब हमें उसकी फर्टिलिटी के बारे में पता होता है इट मीन्स उसका उपजाऊपन्न कि वो उसमें अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं उसको ग्रो करेंगे तो कितना अच्छा प्रोडक्शन आएगा या कितना ज्यादा क्वान्टिटी में जो है हमारी जो क्रॉप है वो ग्रो करेगी सो इट्स डिपेंड ऑन द फर्टिलिटी ऑल्सो सो फार्मर्स एट मेन्योर एंड फर्टिलाइज टू सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल एंड अ फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स तो फार्मर्स क्या करते हैं सोइल सॉयल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए उसमें मेनोर या फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उसको ऐड कर देते हैं मिट्टी में मेनोर इट्स इज ऑर्गेनिक मेनोर भी हो सकता है या कैमिकल मेन्यर या केमिकल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जिससे कि जो हमारी सॉयल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस करती है ठीक है मेनर के रूप में हम ले सकते हैं जो हमारे एनिमल्स होते हैं एनिमल वेस्ट होता है जिसको हम कांग बोलते हैं वी कैन ऐड एज अ मैन्योर इन आर सॉइल ड्यू टू दिस क्रॉप मच एंड मोर अर्थ वॉर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स एक्चुअली अर्थ जो हैं वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं हाउ बिकॉज दे कन्वर्ट डेड लीव्स इन प्लांट्स रिमेन्स इन टू रिच नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्योंकि ये क्या करते हैं जो डेड uh, लीव्स uh, होती हैं सूखी पत्तियाँ होती हैं या प्लांट्स के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं तो उनको uh, ये चेंज कर देती हैं फर्टिलाइजर्स में कौन अर्थवॉर्म तो ये एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जो कि हमारे सॉइल के लिए या उसको सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है सो बाय बोरिंग इन टू द सॉयल दे मेक इट लूज दस अलाउिइंग एयर टू एंटर द सॉइल एंड दिस मेक्स सॉइल मोर फर्टाइल तो ये क्या करते हैं अर्थवर्म्स जो होते हैं इन लीव्स को या जो हमारे प्लांट रिमेन्स हैं उनको मिट्टी में दबा देते हैं और जिससे कि मिट्टी लूज हो जाती है और वहाँ एयर जो है अच्छे से पास होती है और ये सॉइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल होती है नाउ अनदर क्वेश्चन इज सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट एंड वॉट इज सॉइयल इरोजन सो सॉइल इरोजन क्या है इसके लिए हम क्या करेंगे इसको जानने के लिए फर्स्ट जस्ट रीड द lines so when the top soil is removed by rain water and when it is called soil erosion jo hamari top soil hai jo hamari ek thin layer hoti hai hamari earth surface pe when uh, the speedy winds and the rain water carried uh, with uh, it uh, uh, so the uppermost soil सॉइल जो होती है वो क्या हो जाती है इरोड हो जाती है ऊपर से हट जाती है जिसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन रेन वाटर अपने साथ कैरी कर ले जाता है या विंड तेज हवाएं जो होती उसको अपने साथ कैरी कर लेते हैं तो जो ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल है वो क्या हो जाएगी रिमूव हो जाएगी या टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाएगी विच इज कॉल्ड सॉइल इरोजन सो हाउ कैन वी कंजर्व इट एंड इट इज इंपॉर्टेंट सो फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड टू प्रोटेक्ट सॉइल देखिए सो कंजर्व करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि जो टॉप मोस्ट सॉइल होती है इसको बनने में इसके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एंड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो हाउ कैन वी कंजर्व इट सो फर्स्ट पॉइंट इज डो नॉट कट ट्रीज हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए बिकॉज ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं जिससे कि जो सॉइल है वो उड़ती नहीं है या वाटर के साथ बहती नहीं है प्लांट मोर ट्रीज ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए अगेन द सेम टॉप सेम पॉइंट बिकॉज द रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल थर्ड डू नॉट कीप द फील्ड्स बैरन हमें फील्ड को कभी भी बंजर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि अगर बंजर होगा ड्राई हो जाएगी वहां की जो सॉइल है और वाटर के साथ या फिर जो विंड्स हैं वो अपने साथ इसको कैरी कर लेंगे स्टॉप ओवरग्रेजिंग ऑफ लैंड ओवरग्रेजिंग मीन्स जो हमारे एनिमल्स होते हैं जो जमीन पे जो घास वगैरह होती है उसको चढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं उसको उखाड़ देते हैं जिससे कि जो सॉइल है वो लूज हो जाती है और लूज होके वो रेन वाटर के साथ बह सकती है या तेज हवा के साथ उड़ सकती है यूज़ मेनर और नेचुरल फर्टिलाइजर्स इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हमें जो है नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए या नेचुरल मैनियोर यूज़ करना चाहिए जो हमें एनिमल्स से मिलता है लाइक काव डंग क्योंकि जो हमारे आर्टिफिशियल्स या केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को ख़त्म कर सॉइल फर्टिलिटी को तो बढ़ाते हैं लेकिन साथ साथ उसकी जो क्वालिटी होती है उसको खत्म कर देते हैं उसको ख़राब कर देते हैं एंड आफ्टर सम टाइम जो सॉइल होती है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी वजह से जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं रेन वाटर के साथ जब वो ज़मीन में जाता है तो जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो भी पॉल्यूटेड हो जाता है ओके सो हेयर वॉट वी वॉट वी हैव लर्नड वॉट इज सॉयल एंड हाउ इज सॉइयल फॉर्मड एंड देन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल तो उस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल हैं उनको पढ़ेंगे कि उनका कलर कैसा होता है वो किस किस रीजन में पाई जाती हैं एंड किस टाइप की क्रॉप्स के लिए वो यूजफुल हैं ओके सो टिल देन टेक केयर एंड बाय